चेहरे धो देंगे भाजपा को, भोग पटक देंगे। बाथरूम में कपड़े पछाड़ पछाड़ कर एमएलसी बनने का संकल्प ले रही ये हैं आरजेडी की एमएलसी उम्मीदवार मुन्नी रजक, जिनका एक वीडियो इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कपड़ा धोते हुए कहती हैं कि मेरा शुरू से ही कपड़ा धोने का काम रहा है, मेरे माता पिता भी कपड़ा ही धोते थे, उच्च सदन में हम जाएंगे और इसी तरह भाजपा को पटक पटक कर धो देंगे। पानी को जैसे हमारा दे रहे हैं तो ही जाएंगे विधान मेरे सभा में उच्च सदन में वो कहती हैं कि राजद का जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो वो कपड़ा धोना छोड़कर उसमें शामिल होने चली जाती हैं। किसी महिला को कोई प्रताड़ित करता है तो हम उसकी मदद के लिए खड़े होते हैं। मुन्नी रजक कपड़ा धोते हुए आगे कहती हैं कि पटक पटक कर धोकर भाजपा की सरकार को गिरा देंगे। मुन्नी बहुत पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन बोलने में बहुत तेज है, लड़ने भिड़ने का दम रखती है। नॉमिनेशन दाखिल करते ही मुन्नी देवी ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, हम जाति से ही नहीं अपने पेशे से भी धोबी हैं। जिस तरह कपड़े को पटक पटक कर धोते हैं, उसी तरह सांप्रदायिक शक्तियों को सदन में पटक कर धो देंगे। इतना से ही है, माता पिता भी कपड़ा धोते थे, हम भी धोते हैं, इसी से गुजर बसर करते हैं, बाल बच्चा को पढ़ाना लिखाना, ये अपना भी क्या करें, सादा सा पेटर निमाह करके कपड़ा लत्ता धो करके प्रेस करते हैं, खुशरू स्टेशन के नीचे का घर में कपड़ा धो रहे हैं, जाते हैं खाना उना बना उना के किसी तरह से, और जब हमारा प्रोग्राम रहता तो सब काम छोड़ छाके चल जाते हैं। क्षेत्र में भी रहता किसी महिला को दबाता है तंग करता है, उसके लिए भी हम अचूक हथियार की तरह हम खड़ा हो जाती है। इसीलिए मैं भाजपा को मैं जैसे पटक पटक के कपड़ा धोते हैं, उसी भाजपा पार्टी को पटक देंगे। बता दें कि आरजेडी की विधान परिषद प्रत्याशी मुन्नी देवी ने सोमवार को विधानसभा में अपना नामांकन दाखिल किया था। यहां दायर हलफनामे के मुताबिक मुन्नी देवी के पास अपना मोबाइल तक नहीं था, वो 23 लाख रुपए की संपत्ति की मालकिन है। नॉमिनेशन के दौरान दिए गए डिटेल के मुताबिक मुन्नी देवी के पास 8 लाख रुपए की चल और 15 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। उन्होंने बताया कि उनके ऊपर कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई केस दर्ज नहीं है, उनके नाम से 6,60,000 रुपए का लोन चल रहा है। बेरोजगारी के लिए, भूमिहीन के लिए, जो आने वाला समय में हमारे सरकारी जमीन हेक्टर के हेक्टर पड़ा हुआ है, सरकारी जमीन हेक्टर के हेक्टर पड़ा हुआ है, बेरोजगारी महंगाई है, हमारे भूमिहीन के लिए आवाज उठाऊंगा, बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए, और जो हमारे लालू प्रसाद जी रैन बसेरा बसाने का काम किए थे, उसको उजाड़ने का काम किया, उसको बसाने का काम करेंगे।